आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पूरा इस वीडियो में खत्म बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इसके बाहर से नहीं आएगा एनएलपी से कोई भी क्वेश्चन क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर्स सैंपल पेपर्स क्वेश्चन बैंक्स, मार्किंग स्कीम्स जो भी अभी तक सीबीएसई ने प्रिंट किया है रिगार्डिंग दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सबका सब पूरा निचोड़ के इस वीडियो में डाल दिया है ठीक है okay. राइट सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू एनएलपी इंट्रोडक्शन टू एनएलपी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ एन है बिकॉज उससे क्वेश्चन आए हुए हैं पीवा में देखो तो चार पांच क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे राइट right. सो so, अभी इसको स्टार्ट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में एक बात बताता हूँ कि व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील करो इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है ये तो बेसिक तो सबको समझ में आता होगा कि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज क्या है नेचुरल लैंग्वेज यहाँ पर ह्यूमन लैंग्वेज है ठीक है नेचुरल लैंग्वेज यहाँ पर ह्यूमन लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज अ ह्यूमन लैंग्वेज विच द कंप्यूटर ट्राइज टू प्रोसेस एंड गिव अस द आउटपुट सो इट इज क्लियर दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज समथिंग रिलेटेड टू एनेबलिंग अ कंप्यूटर सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस करेक्ट नाउ वी ऑल्सो नो दैट नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी वॉज अ पार्ट ऑफ एयर डोमेन्स ठीक है हमने इसे एयर डोमेन्स में पढ़ा हुआ है नहीं भी पढ़ा हुआ तो बता देता हूं एयर डोमेन्स में तीन डोमेन्स है ठीक है एयर डोमेन्स में तीन डोमेन्स है फर्स्ट इज डेटा साइंस और वी ऑल्सो क्वालिटाइज जस्ट डेटा ठीक है एयर डोमेन्स में डेटा साइंस था सेकेंड था कंप्यूटर विजन ऑल रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग राइट देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द थर्ड वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिसो पूरा कंप्लीट कर देंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सो थर्ड डोमेन ये याद रखना थर्ड डोमेन क्या था नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तीन में से एक डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यह भी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ लिख लो इसे ठीक है लिख लो ये याद कर लेना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी इज एज सब फील्ड ऑफ ए आई दैट फोकसिस ऑन द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज As spoken or written and to given output by processing it. It is called natural language processing. NLP is a component of artificial intelligence. Directly इंटेलिजेंस बस ऐसे भी खत्म कर सकते हो ठीक है तो दो ही चीजें हैं एक तो NLP क्या है उसके बाद NLP एल पीज अनेट ये लिख देना बस हो गया सो so चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक है ये जो होता है ना हमें एक्चुअल का जो फील होता है ना एन का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तो जो मैं कहता हूं कि एनएलपी ऑल अबाउट सुनो समझो और सुनाओ तो ये तीन स्टेप का प्रोसेस है सुनो समझो और सुनाओ सो so, मशीन क्या करती है सुनती है 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 पहले हमारी बातों को ठीक फिर वो data, उसे स्टोर कर लेती समझो मतलब उसे प्रोसेस करना उस डेटा को प्रोसेस करना एंड देन सुनाओ मतलब द आउटपुट एलेक्सा पहले सुनती है फिर समझती है फिर हमें वापस सुनाती है राइट right? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद समराइजेशन ठीक है एग्जांपल्स लेके चलेंगे जैसे कि आप एक पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं राइट बट बिकॉज़ यू आर ईटिंग टू मच ऑफ इट यू आर गेटिंग फुल ओके नाउ ऑटोमेटिक समराइजेशन एक ऐसा मैजिक टूल है जिससे आपका जो पिज़्ज़ा है उसे छोटा करके आप सबसे अच्छी चीज जो उसमें पार्ट्स हैं या फिर सबसे अच्छे टेस्टी जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो आप खा सकते हो बिना आपका पेट भरे राइट right? क्योंकि आपने वो बाकी का जो पार्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आपने हटा दिया है so, सो एक सिमिलर तरीके से जब आपको कोई बड़ा टेक्स्ट पढ़ना है या फिर आपके पास कम टाइम है जो ऑटोमेटिक समराइजर है वो आपको उस टेक्स्ट की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की समरी बता देता है जिससे कि आप मेन पॉइंट्स को समझ सकते हैं ठीक है बिना पूरा टेक्स्ट पढ़े डन समझ में आया ना एंड दैट्स नॉट ऑल राइट ऑटोमेटिक समराइजेशन सोशल मीडिया पर भी यूज किया जा सकता है जहां लोग अपने ओपिनियंस फीलिंग्स एंड इमोशन शेयर करते हैं ठीक है तो आपने सुना ही होगा ट्विटर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका पर मैनुअली सभी डेटा को एनालाइज करना तो बहुत मुश्किल होता है ना इसलिए ऑटोमेटिक समराइजेशन का यूज करके हम लोग उसमें से जो की इमोशनल इंफॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग को रिएक्शन जो भी लोगों के रिएक्शन है ना उसको अच्छे से समझ सकते हैं ऑल राइट ये समझ में आ गया होगा ये ऑटोमेटिक समराइजेशन था ओके नाउ मूविंग ऑन टू सेंटिमेंटल एनालिसिस सेंटिमेंट का मतलब क्या है टाइप ऑफ इमोशन और एन एक्सप्रेशन एक्चुअली भाव बोलते हैं ना भावना सो दैट इज सेंटिमेंट अगर आप बाद में पढ़ोगे ठीक है सेंटिमेंटल एनालिसिस इज नोन एज ओपिनियन माइनिंग अभी एक मस्त सा सीबीएसई फैसिलिटेटर का एग्जाम्पल लूंगा मैं ठीक है एग्जाम्पल ये है कि इमेजिन अ पर्सन राइटिंग अ कॉमेंट ऑन यूट्यूब अबाउट द न्यू आईफोन जैसे तुम में से कोई एक चले गया आईफोन लॉन्च तुम कमेंट कर रहे हो उस यूट्यूब में यू आर कमेंटिंग बट इट वर्क वेल अब इसे तुम क्या समझोगे अगर एक मशीन के अंदर डाला मैंने ये तो पहली लाइन तो अप्रीशियशन में है ना आई लव द न्यू आई फोन तो ये अप्रीशियशन में है दूसरी लाइन क्या है बट समाइम्स इट डजेंट वर्क वेल तो सेकेंड इज काइंड नेगेटिव ओके सो अब मशीन का क्या रिएक्शन है देखते हैं

बता रहे हैं जो कि कंपनी के काम की भी हो सकती है सो so, ऐसे करके सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस में तीन रिजल्ट्स आते हैं या तो पॉजिटिव कमेंट है या तो नेगेटिव कमेंट है या तो न्यूट्रल है पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ ना पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ठीक है इट्स न्यूट्रल पॉजिटिव मतलब इन द दिशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट नाउ द नेगेटिव वन इज एक्चुअल में नेगेटिव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों पता है क्योंकि आपकी कोई बुराई करता है ना तो आपको इंप्रूव करने के चांसेस होते हैं दैट्स आई इवन मैं इन दैट एग्जाम्पल दैट देर इज नेगेटिव सेंटिमेंट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस विच कैन बी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव ऑन द प्रोडक्ट दो ही चीजें एक तो ओपिनियंस और देंटिमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट जिससे कि इम्प्रूव कर सके वो अपनी सर्विसेज को फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट अब आ जाता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये कुछ ज्यादा नहीं है इसे दो तीन लाइन में मैं सबमिट कर देता हूँ ओके सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है टेक्स्ट मिला आपको बहुत सारा ठीक है आपके पास कुछ कैटेगरीज है अब वो टेक्स्ट को उठा उठा के उन कैटेगरीज में पटक दो ठीक है वो क्लासिफिकेशन हो गया सिंपल मीनिंग भी समझ में आ रहा है टेक्स्ट का क्लासिफाई करना तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू असाइन प्री डिफाइंड कैटेगरीज प्रीडिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड है ना पहले से हमें पता है कि क्या क्या कैटेगरीज होने वाली है जो पहले हमने मॉडल्स देखे हैं उनमें बहुत मॉडल्स में ऐसा होता था कि मशीन जो डेटा उसके पास होती थी उसके अकॉर्डिंग में वो नई कैटेगरीज बना लेती थी ठीक है नई कैटेगरीज बनाने के बाद वो उसमें उसे क्लासीफाई कर देती थी, थी पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि मशीन कोई नई कैटेगरी बना देगी हमारे पास पहले से कैटेगरी है उसमें टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है इसलिए मैंने बोला है प्री डिफाइंड कैटेगरी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू असाइन प्री डिफाइंड कैटेगरीज टू अ डॉक्यूमेंट एंड ऑर्गेनाइज इट टू हेल्प यू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड और सिंपली सम एक्टिविटीज विच यू प्रेफर फॉर द क्लासिफिकेशन मॉडल टू डू राइट अब इसका एग्जाम्पल क्या है तेवसा, तेवसा, तो तेवसा, स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल बहुत सिंपल है ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं अपना दिमाग लगा के कर लेना इससे ठीक है अब आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट्स अब ये इंपॉर्टेंट तो है बट ये आप समझते भी हो ठीक है तो वर्चुअल असिस्टेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या हो गए गूगल असिस्टेंट कॉटना एंड सीरी एलेक्सा और भी जो आपको याद हो वो डाल लेना ठीक है सो दीज असिस्टेंट्स नाव इज अर बिकमिंग इंटीग्रेल पार्ट ऑफ अर लाइफ देखा है ना नॉट ओनली वी कैन टॉक टू दम बट ऑल्सो देव द एबिलिटीज टू मेक असियर सो बाई एक्सेसिंग अर डेटा दे कैन हेल्प अस कीपिंग नोट ऑफ अर टास्क मेक कॉल्स फॉर अस सेंड मैसेजेस एंड अलॉट मोर नाउ विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकोगशन ये केपेबिलिटी है स्पीच रिक्जेशन इज अ पार्ट ऑफ एन एल पी ओनली मैंने बोला था ना तीन चीजें याद रखना दैट इज सुनो समझो और सुनाओ इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो वह एन के अंडर ही आता है राइट विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकेशन दीज असिस्टेंट्स कैन नॉट ओनली डिटेक्ट स्पीच बट कैन ऑल्सो मेक सेंस आउट ऑफ इट सो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस अलॉट मोर एडवांसमेंट्स आर मेड इन दिस फील्ड एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर दैट देर विल बी अलॉट ऑफ मोर एडवांसमेंट चलो अभी हम लोग ये ए आई प्रोजेक्ट साइकिल का जो रिविजटिंग वाला पार्ट है एनएलपी का वो स्टार्ट कर देता है सबसे पहले ए आई प्रोजेक्ट साइकिल में क्या क्या होता था एक बार रिवाइज करता है प्रॉब्लम स्कोपिंग डेटा एक्विजिशन डेटा एक्सप्लोरेशन मॉडलिंग एंड इवेल्युएशन राइट और प्रॉब्लम स्कोपिंग से स्टार्ट करेंगे अभी हम हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं पूरा समझने के लिए टू एक्सप्लेन दिस वी आर गोइंग टू यूज वन एग्जाम्पल मैं इन द फैसिलिटेटर ऑफ सी बी एस सी प्रोवाइडेड बाई सी सो एग्जाम्पल क्या है सी बी टी एक थेरेपी है कॉर्गनेटिव बेहेवियर थेरेपी स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है कुछ ये ठीक है फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम स्कोपिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग में दो ही चीजें हमको पढ़नी है दैट इज एंड अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो मैंने है ना एक लिंक डाला है नीचे चैट में देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वो लिंक क्या है ना अपनी वेबसाइट का है और वहां पर जाना एक टेक्स्ट होगा ठीक है रिलेटेड टू प्रॉब्लम स्कोपिंग ये सीबीटी uh, के बारे में ये थोड़ा बस एक बार रीड कर लेना शायद कभी कोई क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है उसके बाद मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता था आर गेटिंग द स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पर पीपल टू शेयर द फीलिंग्स ठीक है एक्चुअली द पीपल हु उसके बाद वॉट वॉट इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज द पीपल आर नॉट एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस ठीक है वेयर मतलब कॉन्टेक्स एक्चुअल में कॉन्टेक्स क्या है दे नीड हेल्प इन वेंटिंग आउट देर इमोशंस ओके दे नीड हेल्प इन वेंटिंग आउट देयर इमोशंस उसके बाद वट वुड बी एन आइडियल सोल्यूशन फॉर दिस सो आइडियल सोल्यूशन वुड बी टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे कैन टॉक टू अर वॉर्ड्स एंड दे कैन एक्सप्रेस दे फीलिंग्स एनॉनमसली ठीक है तो ये हमारा सोल्यूशन है अब तो हमारा गोल क्या है हमारा गोल ये है हमें एक चैटबोर्ड बनाना है जो इनसे इंटरेक्ट कर सके और इनकी जो फीलिंग्स वगैरह हैं ये एक्सप्रेस कर सके और हमारी कॉग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी कंप्लीट हो जाए ठीक है अब सेकंड स्टेप आ जाता है यहाँ पर हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए ठीक है हमें ऐसा चार्ट बनाना है तो उसे ये सब सिखाना पड़ेगा और सिखाने के लिए सोर्सेस क्या होंगे एक तो सर्वे कर लेना ठीक है इन सब चीज़ों का सर्वे करेंगे ये सब होता कैसे है कॉगोनेटिव बिहेवियर थेरेपी कैसे यूज कर सकते हैं इसका सर्वे हो जाएगा दूसरी बात असली जो सेशंस होंगे ना थेरेपी के जो असली में ये होता होगा कहीं पर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में वो देख देख के हम उससे जो कॉमन क्वेश्चन है वो इसमें अपने डेटा के तौर पर यूज कर लेंगे थर्ड क्या हो सकता है पहले से जो डेटा बेस बने हुए होंगे ये सारा डेटा पहले भी तो किसने किया होगा हम पहले इंसान थोड़ी है शायद अगर किसने किया हो तो यूज कर ले वो डेटा ठीक है तो डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ये तीसरा हो गया चौथा क्या है इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब डॉक्टर से सीधा ही बात कर लो कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं क्या क्या मतलब ऐसे हमको डेटा कलेक्ट करना है राइट right? अब हम लोग जाते हैं तीसरे स्टेप पे दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन डेटा एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या करेंगे ना जो टेक्स्टल डेटा कलेक्ट किया है हमने पिछले स्टेप में उसे हम प्रोसेस करेंगे प्रोसेस करके उसे क्लीन करेंगे क्लीन इन द सेंस कि उसमें जैसे कि टेक्स्ट uh, को नॉर्मलाइज करना ये सब स्टेप्स हम सीखेंगे अपने आगे के टॉपिक में ठीक है तो so, इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स वगैरह की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं कंप्यूटर को थोड़ी जरूरत होती है ग्रामर की तो वो सब हटा देंगे नाव हमारे पास क्लीन डेटा आ जाएगा जो हम कंप्यूटर को देंगे उसके बाद आ जाता है मॉडलिंग अब मॉडलिंग में क्या होगा ना जो टेक्स्ट को हमने नॉर्मलाइज करके एन को दिया है उसे हम उसका मॉडल बनाएंगे ठीक है मतलब असली जो बॉट है वो बनाएंगे एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इसे दिमाग में रखना क्वेश्चन आ सकता है दैट इज डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो होना बहुत जरूरी है बिफोर द मॉडल इज मेड ओके सो बिफोर फीडिंग द डेटा इन टू द मशीन द डेटा रिक्वायर्स टू बी प्री प्रोसेस एन एल पी मॉडलिंग रिक्वायर्स डेटा प्री प्रोसेसिंग ओनली आफ्टर विच द डेटा इज फेड इन टू द मशीन ये याद रखना डायरेक्टली यही लाइन पूरी उठा के तुम्हें डाल देंगे एंड फिर पूछेंगे क्या होगा अब आ जाते हम थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट में जो कि इवेल्यूएशन है इसमें इवेल्युएशन में क्या होता है जो ट्रेंड मॉडल है हमारा उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम जो वो आंसर दे रहा है उसे एक्चुअल आंसर से कंपेयर करते हैं ठीक है हम लोग क्या करते हैं जो सजेस्टेड आंसर होते हैं चैटबोर्ड के उसे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल आंसर से फिर हमें एक ग्राफ मिलता है ठीक है अभी एक चीज देखना इसमें ये जो आपको ग्राफ दिख रहे हैं इसमें डिग्री लिखा हुआ है डिग्री वन डिग्री फोर डिग्री फिफ्टीन तो वो डिग्री क्या होता है डिग्री मतलब क्या होता है डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ये चार इक्वेशन है इन सब की डिग्री क्या होंगी बताओ एक्स क्यू पावर वन इज डिग्री पावर टू डिग्री टू एक्स्यू पावर थ्री डिग्री थ्री एक्स टू पावर फोर डिग्री फोर ठीक है अब ये जो इक्वेशन है उनके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं एक बार देख लो अब यहां पर क्या होगा ना हमारे पास अगर मैं बोलू डिग्री वन ग्राफ है डिग्री वन ग्राफ मतलब जो भी प्रेडिक्टेड है आउटकम्स जो भी सजेस्टेड आउटकम्स है बाय द मॉडल उनको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें ठीक है या फिर उनकी इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन की डिग्री वो होगी जो उस ग्राफ की डिग्री है फॉर एग्जाम्पल डिग्री वन का ग्राफ कैसा होगा एक स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन किसकी होगी वो मॉडल की होगी फंक्शन की नहीं होगी ठीक है अगर मैं बोलूं डिग्री फोर का ग्राफ है तो डिग्री फोर का क्या होगा डबल पैराबोला मतलब ऐसे डिग्री फोर का ग्राफ कैसा होगा सो डिग्री फोर का ग्राफ होगा ऐसे ये देखो So, ये जो लाइन है ये जो पैराबोलाज है ये एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंट कर करे ना जो पॉइंट्स को वो है मॉडल ठीक है वो मॉडल की लाइन है अगर मैं डिग्री वन बोलूं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन किसकी होगी मॉडल की होगी वो फंक्शन का इक्वेशन नहीं है वो मॉडल के इक्वेशन के बेस पे हम ग्राफ का नाम रखते हैं ठीक है तो हमारा इसी में तीन कैटेगरीज आ जाती हैं ये ध्यान से सुन लेना भाई इससे क्वेश्चन तो मतलब आना ही है बहुत ज्यादा चांसेस है एंड परफेक्ट फिट अब देखो इसे दिमाग में एकदम क्लियरली डालो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर हमारे पास जो ग्राफ होते हैं वो दो चीजों के होते हैं ठीक है ग्राफ में दो चीजों के होते हैं फर्स्ट वाले में देखो एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोलिक लाइन है तो इसमें क्या होगा ना हर बार दो चीजें हमको देखनी है एक तो मॉडल वाली लाइन कौन सी है और एक तो असली जो फंक्शन है मतलब कैसा होना चाहिए था वर्सेस कैसा हुआ है जो हमने प्रेडिक्ट किया है वर्सेज जो रियालिटी का कैसा है मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो कैसा है वो है स्ट्रेट लाइन बट असली में कैसा होना चाहिए था असली में होना चाहिए वो पैराबोलिक टाइप ठीक है तो प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर हमारा मॉडल मैच नहीं कर पा रहा है ठीक है इट इज नॉट एबल टू मैच बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ द मॉडल्स आउटपुट डज नॉट मैच द ट्रू फंक्शन एट ऑल हेंस द मॉडल इज सेट टू बी अंडर फिटिंग एंड इट्स एक्सीज लोअर यानी अंडर मतलब नहीं हो पा रहा है कम हो पा रहा है ठीक है अंडर कॉन्फिडेंट अब क्या होगा डिग्री फोर वाले में डिग्री फोर किसकी होगी डिग्री फोर इज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्रशन गिवन बाई द मॉडल ठीक है अभी सेकेंड वाले में क्या है परफॉर्मेंस मतलब क्या धुआंधार है मतलब डिग्री फोर ऑफ इक्वेशन मैचेस विद डिग्री फोर ऑफ द ट्रू फंक्शन मतलब मॉडल और ट्रू फंक्शन दोनों मिल चुके हैं साथ साथ जन्मों तक जन्मों का आई I मीन mean, uh, इसका मतलब क्या हुआ जो इक्वेशन ऑफ मॉडल है इक्वेशन ऑफ फंक्शन है वो दोनों को कर गई है वो दोनों मिल चुकी है इसका मतलब क्या हुआ हमारा मॉडल परफेक्ट है हमारा मॉडल परफेक्ट है एकदम ऑप्टिमम जो चाहिए था वैसे ही काम कर रहा है अब क्या करेंगे तीसरा फिगर देखते हैं तीसरा फिगर में क्या है यहाँ पर थोड़ा लोचा है यहाँ पर क्या हो रहा है देखो यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो दिख रहा है वो क्या है वो मॉडल है हमारा मॉडल थोड़ा है ना मतलब तो हिल चुका है कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कभी नीचे आ रहा है कभी उसके ऊपर जा रहा है कभी मतलब उसके डेटा के पास तो आए नहीं रहे अब यहां पर क्या हो रहा है ना ओवर फिट हो गया मतलब मॉडल चाहता क्या है मॉडल उसी लाइन के पास रहना चाहता है बट कभी नीचे चल जा रहा है ऊपर चल जा रहा है नीचे चल जा रहा है ऊपर चल जा रहा है मतलब बहुत ट्राई कर रहा है उसके पास रहने का तो ज्यादा ट्राई कर रहा है ज्यादा मतलब बहुत ओवर ट्राई कर रहा है ओवर ट्राई मतलब ओवर फिटिंग ठीक है ज्यादा ट्राई कर रहा है सो आवर मॉडल इज ट्राइंग टू कवर ऑल द द डेटा ऑफ सैंपल्स इवन इफ दे आर आउट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द ट्रू फंक्शन ठीक है दिस दिस मॉडल सेट टू टू बी एंड हैज अ हैजोअर एक और बार रिवाइज फर्स्ट वाले में क्या था फर्स्ट वाले में था हमारा मॉडल मैच ही नहीं कर पा रहा था मतलब किसी काम का ही नहीं है कुछ मैच नहीं कर पा रहा था ठीक है तो वो क्या है है उसकी क्या हो जाएगी लो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सात सात जन्मों का बंधन एक साथ एकदम करेक्ट एकदम परफेक्ट तो ये क्या हो गया परफेक्ट फिट दिस मॉडल हैजीम एक्यूरेसी एंड इट इज परफेक्ट फिट तीसरा क्या हो गया इतना ट्राई कर रहा है वो उसके पास आने का कभी नीचे हो जा रहा है फिर नीचे हो गया तो वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है फिर गलती से और ऊपर चले जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है इसका मतलब वो बहुत ट्राई कर रहा है वो बहुत ओवर ट्राई कर रहा है ओवर ट्राई कर रहा है मतलब वो ओवर फिटिंग के अंदर आता है दैट हैज़ लोअर एक्यूरेसी ठीक है अब हम लोग मॉडल को इवेलुएट कर चुके हैं हमारा ऐप बन जाएगा वही काम खत्म हमारा प्रोजेक्ट साइकिल का रिविजिटिंग एन में खत्म हो चुका है अब हम मूव करेंगे चैट बोर्ड्स पर अब हम एन के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल एप्लीकेशन पे आ गए हैं दैट इज़ चैट बोर्ड्स सो हमारे पास बहुत सारे चैटबॉट्स हैं इन नॉर्मल लाइफ बट हम लोग कुछ पॉपुलर चैटबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे दैट इज जो फैसिलिटेटर में है ठीक है तो वहां पर है एंड इसका ये फॉर्मर नेम था इसका अभी नया नाम कुकी हो गया है बट हमें उसकी जरूरत नहीं है ओके देन क्लेवर बॉट देन जैबर वैकी देन हैप्टिक है उसके बाद रोज एंड ओ चैट बॉट ये छह एग्जाम्पल्स हैं इनको याद कर लो नाउ हम मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ चैट बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट ओके सो आर टू टाइप्स ऑफ चैट बोर्ड स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट स्क्रिप्ट बॉट क्या होता है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और उनके आंसर्स या तो कोई एक हार्ड कोडेड डेटा उन्हें दिया जाता है मशीन को बाय डेवलपर्स एंड एग्जैक्टली जब एक इंसान वो टेक्स्ट को डालेगा तब वो कुछ आंसर देगा जैसे कि व्हाट्सएप पे भी अपने चैट बोर्ड से क्यों होंगे कि उसमें आपको एक वर्ड लिखना पड़ता है तब जाके उसका आंसर जैसे हेल्प लिखोगे तो एक टेक्स्ट दे देगा आपको आप उससे बात नहीं कर सकते वरना ना वो कोई एरर दे देगा आपको बोलेगा कि सॉरी आई के नॉट अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट जो भी है ठीक है ये स्क्रिप्ट बॉट हो गया स्मार्ट बोर्ड क्या होता है आप उसे कैसे भी बात करो वो आपको आंसर देगा चैट जेपीटी के बारे में जानते हो आप ठीक है सो दैट इज एन एग्जाम्पल नाउ स्क्रिप्ट बोर्ड सर इजी टू मेक ठीक है Obviously, they're easy to make. Then smart bots are flexible and powerful. They're not that easy to make. Then script bots work around a script that is programmed in them, right? Smart bots work on a bigger database and other resources directly. Correct. Now, third difference is, mostly they're free and they're easy to integrate into a messaging platform. Smart bots learn with more data. हाँ तो स्मार्ट बोर्ड्स एक्चुअल में बिग डेटा के कंसेप्ट वर्क करता है स्मार्ट बोर्ड्स यानी ए के बोर्ड्स जो है आप गूगल के भी बड़े बड़े डेटा पर होते हैं तो उन सबसे वो चीज़ों को समझता है जैसे जैसे नया डेटा आता है वो अपडेट होते रहते हैं एंड स्क्रिप्ट बोर्ड में क्या है हार्ड कोडेड डेटा है वो कहीं भी डाल दो आप बस वो चल जाएगा ओके देन फोर्थ वन नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड देन स्मार्ट बोर्ड में तो कोडिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट ओके नाउ स्क्रिप्ट बॉट में है लिमिटेड फंक्शनैलिटी दैट्स द मेजर डिफरेंस लिमिटेड होता है स्क्रिप्ट बॉट्स एंड स्मार्ट बॉट्स वाइड फंक्शनैलिटी जितना भी यूज करना है ठीक है एग्जाम्पल तो बहुत सारे हमारे पास कस्टमर केयर वगैरह में स्क्रिप्ट बॉट्स आ जाते हैं एंड गूगल असिस्टेंट एलेक्सा कॉटना सीरी बाकी सारे ये स्मार्ट बॉट्स हैं ओके okay. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन वर्सेज कंप्यूटर लैंग्वेज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज इन प्रोसेसिंग इन इनपुट एंड इन स्टोरिंग टू हम अपने ब्रेन के बारे में बात करते हैं अब ठीक है हमारे ब्रेन में क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे बातें कर रहा है एंड साथ में टीचर कुछ पढ़ा रही है क्लास में ठीक है तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा तुम्हारा दिमाग दोनों चीज़ों को ग्रेस्क करेगा सुनेगा उसके बाद प्रोसेसिंग के टाइम पे वो किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करेगा ठीक है वो प्रोसेस दोनों को कर रहा है बट जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको वो प्रायोरिटाइज कर देगा ठीक है वो तुम्हें पता है तुम्हारा किस में इंटरेस्ट होगा क्लास के टाइम पर अब एक्चुअली होता क्या है सुनो द साउंड रीचेज द ब्रेन थ्रू अ लॉन्ग चैनल एंड जब कोई इंसान बात करता है तब वो उसके माउथ से ठीक है इट ट्रेवल्स थ्रू लिसनर्स एयर ड्रम एयर ड्रम में जाने के बाद जब वो एयर ड्रम को स्ट्राइक करता है वो न्यूरॉन इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है अब वो न्यूरॉन इम्पल्स इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रेन एंड देन उसकी प्रोसेसिंग होती है ठीक है वो जब प्रोसेस हो जाता है प्रोसेस होने के बाद क्या होता है अब अगर मीनिंग क्लियर है तो समझ जाएगा वरना फिर एक्शन लेने के लिए बोलेगा कुछ एंड ऑन ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर साइड अब कंप्यूटर के साथ क्या होता है तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ नंबर्स यू नो दैट वेरी वेल राइट सो एवरीथिंग जो भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है अब अगर तुम टाइप करते वक्त थोड़ी सी भी कोई एरर कर देते हो थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हो तो इट बिकम्स अ कंप्यूटेशनल एरर एंड कंप्यूटर सीधे फेक के बोल देता है भाई ये 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 एरर हो चुका है एंड हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आ जाती हैं हमारे पास ठीक है जिनको हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग्स सेकेंड वन इज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड थर्ड वन इज परफेक्ट सिंटैक्स एंड नो मीनिंग सो so, ये तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी और इससे क्वेश्चन आते हैं ठीक है अपने न्यूरोन्स को जगा के रखना इधर स्टार्ट so, करते हैं विद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स इसमें क्या है देखो सबसे पहले एक बात समझो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है हमारी जो भाषा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स बने हुए हैं ठीक है थीके? जिसको हम ग्रामेटिकल रूल्स भी कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज़ ऑलवेज देयर तो इसी ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कहते हैं सिंटैक्स ठीक है सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्लियर और हर सेंटेंस में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए वरना हम उसकी मीनिंग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं बोल रहा हूँ आई कम्प्लीटेड ईटिंग कॉमा ग्रांड मा ठीक है एंड इसी को मैं बोलू आई कम्पलीटेड ईटिंग ग्रैंड मा तो दोनों का मतलब बहुत ही डिफरेंट हो गया ना दैट्स वाई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शुड बी सेम अदरवाइज द मीनिंग वुड बी डिफरेंट और मीनिंग को हम सिमेंटिक्स कहते हैं तो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स इसको याद रखना ये डेफिनेशन ही पूछ लेते कि वॉट इज सिंटैक्स वॉट इज सिमेंटिक्स तो सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ठीक है और इसको याद कैसे रखना है कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा मीनिंग बाद में आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे तो सिमेंटिक्स में देखो एम आता है ठीक है सिमेंटिक्स में एम आता है सिंटैक्स में नहीं आता तो जिसमें एम आता है वो मीनिंग का है दूसरा वाला सिंटैक्स का है क्लियर अभी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे कि डिफरेंट सिंटैक्स सेम मीनिंग एंड डिफरेंट मीनिंग सेम सिंटैक्स सबसे पहला क्या है डिफरेंट सिंटैक्स एंड सेम सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर इसका मतलब हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर लेना है बट मीनिंग सेम होनी चाहिए अगर मैं थ्री प्लस फोर बोलू इजिक्वल टू फोर प्लस थ्री इधनों क्या है डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बट इनके मीनिंग सेम है ना दैट इज फाइव अब आ जाता है डिफरेंट सिमेंटिक्स बट सेम सिंटैक्स इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट मीनिंग होगी बट सिंटैक्स सेम होगा स्ट्रक्चर सेम होगा तो इसका एक एग्जांपल हम पाइथन ले सकते हैं पाइथन का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो डिफरेंट वर्जन में अगर देखेंगे पाइथन का एक वर्जन है 2 एंड पाइथन का वर्जन 3 तो 2 और 3 में डिफरेंस ये था कि अगर हम 2 वजन टू में कुछ डिवीजन करते हैं डायरेक्टली जैसे थ्री बाई टू लिख दिया तो इंटीजर रिटर्न करता था बट इन पाइथन थ्री वो डायरेक्ट आपको फ्लोट रिटर्न करेगा यानी आपको पॉइंट में भी बताएगा तो पाइथन टू में अगर मैं लिखूं थ्री बाई टू तो पाइथन टू हमें देगा वन आंसर वन देगा वन पॉइंट फाइव की जगह वन देगा वो बट पाइथन थ्री में करेंगे थ्री बाई टू तो वो हमें देगा वन पॉइंट फाइव क्योंकि पाइथन टू में हमें इंटीजर मिलता है पाइथन थ्री में फ्लोट मिलता है सेम फंक्शन पर ना लेट्स मू वॉन्ट टू द मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड सो इसमें क्या है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या होता क्या है तो ये प्रॉब्लम तब अराइज़ होती है जब एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं हमारे को प्रॉब्लम यह आएगा कि अगर मैंने मशीन को कोई सेंटेंस दिया लेट्स सपोज मैंने एक एग्जाम्पल uh, लेता हूँ हिस्स फेस टर्न रेड आफ्टर ही फाउंड आउट दैट ही टुक द रॉन्ग बैग सो यहाँ पर मशीन क्या इंटरप्रेट कर सकता है मशीन कैन इधर इंटरप्रेट दैट ही इज फीलिंग अशेम्ड बिकॉज ही टूक अनदर पर्सन बैग और मशीन कैन इंटरप्रेट दैट ही इज फीलिंग एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट मैनेज टू गेट हिज ओन बैग ओके तो यहाँ पर ये यह दो मीनिंग निकल सकते हैं अब मशीन को तो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होगा तो यहाँ पर ये यह प्रॉब्लम आ जाती है नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेता है हिज फेस टर्न रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन अब यहाँ पर दो मीनिंग आ सकती हैं इधर एलर्जिक रिएक्शन हो गया इसलिए उसका फेस रेड हो गया या तो दूसरा क्या हो सकता है ही इज़ नॉट एबल टू बेयर द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन दैट्स हिज फेस ऑन रेड द कंक्लूजन इज इन नेचुरल लैंग्वेज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट अ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड द मीनिंग्स फिट इन टू द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्सट ऑफ इट नाउ नेक्स्ट वन इज परफेक्ट सेंटैक्स नो मीनिंग इसका मतलब स्ट्रक्चर एकदम सही है सेंटेंस का ग्रामर वगैरह सही है बट उसका कोई मतलब ही नहीं है मैं एक एग्जांपल देता हूँ कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली ठीक है इसका मतलब क्या है ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा बिकॉज आइडियाज के नॉट बी ग्रीन एंड इफ दे आर ग्रीन दे के नॉट स्लीप एंड इफ दे स्लीप दे के नॉट बी फ्यूरियस ओके या तो अनदर एग्जाम्पल द बर्ड्स टीथ हैव बिकम टू ब्रांचेस अब इसका क्या मीनिंग है कोई मीनिंग नहीं है ठीक है so सो ऐसे ही इनका ग्रामर सही है ठीक है मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट बट दे हैव नो मीनिंग सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट सिंटैक्स बट नो मीनिंग ये याद रखना तीनों चीज़ें याद रखना जो मैंने तीनों बताई ना अभी फर्स्ट वन क्या था हमारा फर्स्ट वन था अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स इसमें क्या था डिफरेंट सिंटैक्स सेम सीमेटिक्स डिफरेंट सीमेटिक्स सेम सिक्स ठीक है एंड फिर हमारे पास आया था मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड उसमें क्या था एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं सो so ये दो हो गए नाउ द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट सेंटैक्स नो मीनिंग तो उसमें क्या था सेंटैक्स सही था ग्रामर सही थी बट कोई मीनिंग ही नहीं आ रही थी तीनों के एग्जाम्पल्स याद कर लेना दो दो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यों क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब भर भर के आते हैं ठीक है और यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट भी रहता है तो इसको हम सिंपली डिस्कस करेंगे मजे में डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे और सब कुछ याद करके ही आगे बढ़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन से एक्चुअल में में डेटा प्रोसेसिंग तीन चीजें होती है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन उसके बाद बैग ऑफ वर्ड्स एलगोरिदम उसके बाद टी एफ आई डी एफ ठीक है अब ये तीनों में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन स्पेशली इसके अंदर छह डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेगमेंटेशन होता है उसके बाद टोकनाइजेशन होता है रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स कॉमन केस में कन्वर्ट करना स्टेमिंग और लैमेटाइजेशन तो अभी तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा बट एक एक करके हम करते हैं तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन पहले देखते हैं ये आया कहाँ से होता क्या है तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की मदद से हम टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करते हैं एक लोअर लेवल पर लेके जाते हैं जो इतना सारा ग्रामर स्ट्रक्चर है ना जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना स्टॉप वर्ड्स वगैरह जो इज एम आर ये सब छोटे छोटे वर्ड्स जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वो सब हटा देते हैं इसमें ठीक है जो काम का टेक्स्ट है ना सिर्फ वो रखेंगे तो इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का सेट होगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बोला एंड एक और अनदर पर्सन ने कुछ बोला फिर पर्सन थ्री ने कुछ बोला तो पूरा कंबाइन करेंगे ऐसे तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे पास तो इन तीन डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर देंगे उसके बाद जो इनका पूरा टेक्स्ट होगा इन तीनों का मिला के इस पूरे को हम एक वर्ड बोलते हैं कॉर्पस सो व्हाट इज़ कॉर्पस द टर्म यूज्ड फॉर होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज नोन एज कॉर्पस अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ठीक है टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने का वो होता है इसी कॉर्पस में से जो भी टेक्सुअल डेटा है उसे सेंटेंसेज में डिवाइड करने का ठीक है ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेंटेंसेज में डिवाइड करने का प्रोसेस सेंटेंस सेगमेंटेशन तो अंडर सेंटेंस सेगमेंटेशन द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इन टू सेंटेंसेज एंड ईच सेंटेंस इज टेकन एज अ डिफरेंट डेटा so now the whole corpus gets reduced to sentences. so let's see an example for sentence segmentation. एक corpus लिया हमने ये पूरा जो text है ठीक है अब इससे हम क्या करेंगे ये before segmentation का है ठीक है अब sentence segmentation करने के बाद क्या होगा ये दो sentences में ऐसे divide हो जाएगा ठीक है इन्होंने क्या किया दो different sentences को identify किया और उसे अलग अलग करके लिख दिया बस इतना ही करना है ठीक है सिंपल है ना अब लेट्स सी व्हाट इज टोकनाइजेशन तो टोकनाइजेशन में क्या होता है ना आफ्टर सेगमेंटिंग द सेंटेंसेस ईच देन फर्दर डिवाइडेड इनटू एंड व्हाट इज अ टोकन टोकन इज अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड और नंबर और अ स्पेशल कैरेक्टर अकरिंग इन सेंटेंस ओके सो अंडर टोकनाइजेशन एवरी वर्ड नंबर और स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली एंड ईच ऑफ देम इज नाउ अ सेपरेट टोकन सबको एक सेपरेट सेपरेट टोकन में डिवाइड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सी वाला एग्जाम्पल लेते हैं सो इस सी वाले टेक्स्ट में जब इसका टोकनाइजेशन करेंगे तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स मिलेंगे अब एक टोकन क्या क्या हो सकता है एक टोकन एक वर्ड हो सकता है एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है और एक आ, और एक नंबर भी हो सकता है ठीक है अब तुम लोग है ना कंफ्यूज ना हो ठीक है इसलिए मैंने है ना जो ट्रिकी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एग्जाम में फिर तुम घुम हो जाओगे ना उसे देख के तुम्हारा दिमाग अलग ही चलने लगेगा वैसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ तुम्हें पहला देखो आई एम करके आया ना तो आई और एम अलग अलग होगा फाइव किलोमीटर आया तो फाइव एंड किलोमीटर अलग अलग होगा रॉक एंड रोल एक्सक्लेमेशन ठीक है जब ये एक्सक्लेमेशन के साथ आएगा तो एक्सक्लेमेशन इज डिफरेंट ठीक है अब नेक्स्ट है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स तो स्टॉप वर्ड्स क्या होता है पहले तो इसी बात पे आ जाता है क्वेश्चन ठीक है एंड एग्जाम्पल भी आ जाते हैं स्टॉप वर्ड क्या होता है पूरी डेफिनेशन देखो एक्चुअल में स्टॉप वर्ड कुछ नहीं होता स्टॉप वर्ड वो वर्ड होता है जिनका कोई यूज ही नहीं है मतलब वो वर्ड ऐसे होते हैं जो कोई भी स्पेशल मीनिंग ऐड नहीं करते आपके सेंटेंस में तो स्टॉप वर्ड्स आर द वर्ड्स विच अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द कॉर्पस बट डू नॉट ऐड एनी वैल्यू टू इट अब अकर फ्रीक्वेंटली क्यों होता है इज एम आर तो ये तो इतने बेसिक वर्ड्स है कि हर जगह यूज़ ही होते हैं तो ये सारे स्टॉप वर्ड्स हो जाते हैं और ये ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है पर इनकी वैल्यू बहुत कम होती है सो ग्रामेटिकल वर्ड्स डू नॉट एड एनी एसेंस टू द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द स्टेटमेंट ओके हैंस दे कम अंडर स्टॉप वर्ड्स सो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉप वर्ड ये याद कर लो जहाँ भी देखे ये क्या हो जाएगा अपना स्टॉप वर्ड हो जाएगा ठीक है अब एक और बात जो मैंशन की है एक पैराग्राफ में वो पैराग्राफ दिखाता हूँ मैं इसमें बोला गया है अलॉन्ग विद दीज वर्ड्स ठीक है कभी कभी क्या होता है ना स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं बट उस स्पेशल कैरेक्टर को हमें वर्ड करना है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि वो यूज कैसे हुआ है अगर मैं चार्टॉट में मेरा इनपुट है है कि ईमेल आईडी लेनी है, तो अब मैं उसमें द रेट थोड़ी हटा दूंगा ठीक है जो स्पेशल कैरेक्टर थोड़ी दूंगा वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना समझ रहे हो ना बात सो so, हर जगह हम रिमूव नहीं कर सकते ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्ट पे ओके okay, अब नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट इंटू कॉमन केस सो क्या हो सकता है ना हमारा टेक्स्ट जो इनपुट किया है अब इंसानों ने इनपुट किया तो कोई कैपिटल में होगा कोई बीच में तो ये सारे जो होते हैं ना इन सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है यानी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है वेदर इट्स अपर केस वेदर इट्स बीच में अपर केस और पूरा क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना वो केस सेंसिटिव होती है तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर बींग इन अ सेफर साइड सारे टेक्सट के केसेस को हम एक ही केस में ले आते हैं ताकि वो डिफरेंट वर्ड्स ना बन जाए तो इसी को हम कहते हैं केस नाउ ये दो बाकी रह जाते हैं वो है स्टेमिंग एंड लैम सो इन स्टेमिंग में क्या होता है कि जो वर्ड्स रिमूव हो गए हैं यानी जो एफिक्सेस हटा दिए हमने जो फाइनल वर्ड आ रहा है हमारे पास उसको स्टेम्ड वर्ड्स भी कहते हैं स्टेम्ड वर्ड्स मीनिंगफुल भी हो सकते हैं या तो नहीं भी मीनिंगफुल हो सकते हैं ठीक है तो जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल हो बस उनके एफिक्सिस हटा दो ठीक है एग्जाम्पल से देख लो So, stemming does not take into account if the stem word is meaningful or not. It just removes the affixes, hence, it's faster. with hai removal of affixes. Okay. But the difference between both of them is that lemmatization, the word we get after affix removal, known as lemma, is meaningful one. Okay. And lemmatization makes sure that lemma is a word with meaning and hence it takes longer time to execute than stemming. अब ये एग्जाम्पल देख लो इससे समझ में आ जाएगा बस ठीक है केयरिंग में स्टेमिंग क्या करेगा ना स्टेमिंग तो डायरेक्टली हटा देगा आईएनजी और बन जाएगा कार बट हमारा लेमेटाइजेशन क्या करेगा केयरिंग को समझेगा कि केयरिंग का मतलब क्या होता है उसके बाद उसे बना देगा केयर ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं ऐसे वर्ड्स के अब मुझे एक बात पता है कि इस वीडियो के दो तीन घंटे बाद तुम तो में से बहुत लोगों को ऑर्डर ही याद नहीं रहेगा कि किस ऑर्डर में हमने स्टेमिक और सेंटेंस सेगमेंटेशन टोकनाइजेशन किया था तो उसके लिए मैंने ये नेमोनिक लाया इसको कस्टमाइज कर लेना अपने हिसाब से जैसे तुम्हें याद रहे और कोई कहानी से एसोसिएट करना है इसे ठीक है समझो एक बच्चा है जो बहुत सोता है और उसके अभी छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं और वो अभी भी सो रहा है और दिक्कत क्या है ना उसे केस स्टडी कंप्लीट करनी है तो तुम लोग क्या बोलोगे तुम लोग बोलोगे कि सोना तुम रोको केस स्टडी लाओ ठीक है सोना तुम रोको और केस स्टडी लाओ सोना तुम रोको में क्या आ जाएगा सोना मतलब सेगमेंटेशन सेंटेंस सेगमेंटेशन तुम मतलब ठीक है रोको मतलब रोकना मतलब स्टॉप सो सोना तुम रोको मतलब स्टॉप वर्ड्स रोको में स्टॉप वर्ड्स आ जाएगा देन केस स्टडी लाओ केस स्टडी लाओ में क्या आ जाएगा सो केस मतलब कॉमन केस स्टडी मतलब ऐसे वापस हमारे पास स्टेमिंग और फिर लाओ मतलब लैमेटाइजेशन सोना तो हम रोको केस स्टडी लाओ सेगमेंटेशन टोकनाइजेशन स्टॉप वर्ड्स रिमूवल सेम के एकदम क्लियर होना चाहिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैग ऑफ वर्ड्स एलग्रिदम ठीक है सो so, एक्चुअल में क्या होता है ना हमें पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका चेंज करना पड़ेगा बैग ऑफ वर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि इतना सिंपल है और इतना ज्यादा स्कोरिंग है ना सबसे ज्यादा आपके इजी मार्क्स इधर से उठाओगे आप ठीक है अगर इस पर क्वेश्चन आ गया तो खुश हो जाना कि वाह भाई मार्क्स आ गए अब तो अब मैं समझाता हूं इसे करना कैसे है सो बैग ऑफ वर्ड्स होता क्या है बैग ऑफ वर्ड्स इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स आउट ऑफ द टेक्स्ट विच कैन बी हेल्पफुल टू द मशीन लर्निंग एलग्रिदम्स ये जो बैग ऑफ वर्ड्स का एलग्रिदम है दो ही चीजें बताता है ठीक है एक तो वैकैबलरी ऑफ द वर्ड्स फॉर द कॉर्पस मतलब कौन से कौन से वर्ड्स यूज किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स कौन से कौन से यूज किए दूसरा वो कितनी बार यूज किया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स सो अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा इसका नाम बैग ऑफ वर्ड्स क्यों है बैग ऑफ वर्ड्स मतलब क्या हुआ एक बैग में बस वर्ड्स डाल दिए तो डज इट मैटर वो कैसे डाले बैग में चले गए उसके बाद तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं ना वो तो इसका मतलब क्या है कॉलिंग दिस एलग्रिदम बैग ऑफ वर्ड्स सिंबलाइजेस दैट द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस और टोकन डज नॉट मैटर एज ऑल वी नीड इज बीच में बैग है एंड बाद में प्रोसेस है तो जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये पूरा पैराग्राफ इट इज नॉट जस्ट अ पैराग्राफ ठीक है ये टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद का है ठीक है जो ये आया है ना साइड में लेफ्ट में दैट इज आफ्टर टेक्सट नॉर्मलाइजेशन ऐसी कोई भी पैराग्राफ नहीं है अब तुम्हारे अंदर आगे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का है दूसरा क्वेश्चन स्टॉप वर्ड्स कहाँ पर है उनको हटाया क्यों नहीं है इनको टोकन क्यों नहीं किया है ठीक है स्टेमिंग का है लेन का है तो रुको भाई रुको बताता हूँ पूरी चीजें अब हम लोग एक्चुअल में जो इसका स्टेप और अप्रोच है कैसे करते हैं क्वेश्चन आगे तो सोल्व कैसे करना है ये बताता हूँ बहुत सिंपल है ठीक है बहुत सिंपल है आपके पास सिर्फ चार स्टेप्स होंगे और मैं तो ये चार स्टेप भी नहीं कहता मैं इसे तीन स्टेप ही कहता हूँ ठीक है हमको तीन ही स्टेप लगेंगे बट हमें लिखते समय चार स्टेप में लिखना है सो so, लिखना कैसे है लिखेंगे स्टेप वन दैट इज कलेक्टिंग द डेटा एंड प्री प्रोसेसिंग इट इसी को हम टेक्स नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं सो बैग ऑफ वर्ड्स में टेक्स प्रोसेसिंग कैसे होती है बैग ऑफ वर्ड्स में टेक्सट प्रोसेसिंग करने के लिए हमको जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे तो हमको सेंटेंस सेगमेंटेशन की टेंशन नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले से दिए जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको टोकनाइज करना है ठीक है डॉक्यूमेंट्स को टोकनाइज करने के बाद स्मॉल केस में डाल दो एंड दैट सेट ठीक है आपको ये टेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा अब यहां पर कुछ चीजें जो हम लोग स्किप करते हैं फ्रॉम द एक्चुअल टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाले स्टेप से दैट इज फर्स्ट सेंटेंस सेगमेंटेशन वो तो ऑब्वियस है क्योंकि सेंटेंस पहले से गिवेन है उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्टॉप वर्ड्स रिमूवल हम नहीं करते हैं यहां पर क्यों नहीं करते हैं क्योंकि स्टॉप वर्ड्स का मतलब क्या होता है स्टॉप वर्ड्स मतलब द वर्ड्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वैल्यू ठीक है द वर्ड्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वैल्यू बट यहां पर इज एम आर ये सब स्टॉप वर्ड्स होंगे ही नहीं क्यों नहीं होंगे क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी लो है तो इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना इनकी फ्रीक्वेंसी लो है तो इनकी वैल्यू लो नहीं रहेगी दैट्स वाई आर नॉट स्टॉप वर्ड्स सो हम इनको एज अ स्टॉप वर्ड रिमूव नहीं करेंगे ओके okay. और हम स्टमिंग एंड लेमेटाइजेशन नहीं करते हैं वाई एफिक्स रिमूवल हम यहाँ पर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव है फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द यूनिक वर्ड्स अकरिंग द कॉर्पस ये हमारा मेन मोटिव है फॉर बैग ऑफ वर्ड्स एलग्रिथम तो यहाँ पर एफिक्स रिमूवल की कोई जरूरत है ही नहीं ठीक है अब इसमें थोड़ा है ना ध्यान से इसमें तुम्हें सारे स्टेप्स नहीं करने मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ जो फर्स्ट स्टेप टेक्स नॉर्मलाइजेशन करना है ना मैं बैग ऑफ वर्ड्स में उसे कैसे करना है ठीक है तो पहला स्टेप हो गया हमारा इतना ही था बस ठीक है अब डिक्शनरी बनाना डिक्शनरी में क्या होगा ना डिक्शनरी सिंपल है डिक्शनरी मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिक वर्ड्स है ऐसा नहीं कि अमन दो बार आया तो तुमने अमन दो बार लिख दिया नहीं 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 तुम्हें क्या करना है जितने भी यूनिक है अमन को एक बार ही लिखोगे एंड को एक आ, बार ही लिखोगे अनिल आर स्ट्रेस्ड वेंट डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट थेरेपिस्ट अ टू ठीक है तो इन सबको एक एक बार जो जो आ रहे हैं वो सब एक जगह लिख दो ठीक है तो बस डिक्शनरी बन गई <laughs> मतलब तुम्हें तो बस देख के लिखना है यही होता है बैग ऑफ वर्ड्स में और कुछ भी नहीं है तो डिक्शनरी में यूनिक वर्ड्स होता है तो हमारे पास जितने भी यूनिक वर्ड्स है सबको एक जगह डाल दो ठीक है हो गई डिक्शनरी अब हमें क्या करना है ना कि इसका डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना है डॉक्यूमेंट वेक्टर ही आपको मार्क्स देगा क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है इसको दो स्टेप में लिखना है तो आपके ज्यादा मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे और इसमें बस काउंटिंग है ठीक है तो क्या करना है स्टेप थ्री क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वैक्टर इसमें क्या करना है पूरी डिक्शनरी जो तुम्हारे पास थी ना डिक्शनरी में क्या था यूनिक वर्ड्स थे सारे तो डिक्शनरी को एक अभी तुम्हें एक टेबल बनानी होगी डिक्शनरी को एक सीधा ऐसे लिख दो सारे वर्ड्स एक जगह फिर उसके अंडर तुम्हें क्या करना है ना डॉक्यूमेंट वन पे जाओ ठीक है उसे देखो और फिर उसमें देखो कौन से कौन से वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं तो अमन आ रहा है एंड आ रहा है अनिल आ रहा है आर स्ट्रेस्ड ठीक है ये सब कितनी बार आ रहे हैं वन वन टाइम्स आ रही है ये डॉक्यूमेंट में देखना है तुम्हें ठीक है ऐसा नहीं करना कि तुम डॉक्यूमेंट टू में भी देखो थ्री में भी देखो तो ये अमन तीन बार आ गया अनिल दो बार ऐसा कुछ नहीं ठीक है तुम्हें क्या करना है एक डॉक्यूमेंट में देखना है और एक टेबल मतलब एक डॉक्यूमेंट नीचे तुम्हें लिख देना है बिकॉज वन, 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 वन बार वन, वन, वन है अब डॉक्यूमेंट वन का सेंटेंस क्या था अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड तो इसके अलावा तो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट वन में है ही नहीं तो सब में क्या करोगे जीरो डाल दो जीरो टाइम्स आए हैं वो वर्ड्स अब इसी को इन्होंने दो स्टेप्स में कर दिया है फर्स्ट स्टेप यानी जो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा इसमें उसमें तुम्हें क्या करना है ना बस ये एक बार जो पहला डॉक्यूमेंट है उसका डाल दो और उसका लिख दो पूरा ठीक है और फिर स्टेप फोर में क्या करना है ऊपर हेडिंग डालना रिपीट फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स उसके बाद क्या करना है तुम्हें रिपीट कर देना सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए मतलब पहला डॉक्यूमेंट का फर्स्ट लाइन थी ना उसके बाद सेकंड लाइन में दूसरे डॉक्यूमेंट का फिर थर्ड लाइन में थर्ड डॉक्यूमेंट का बहुत सिंपल है ये है ना मजे की बात पता है तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वैक्टर से अकेले अकेले तो यहाँ से क्या आ जाता है पहले तो आ जाता है वट डू मीन डॉक्यूमेंट वैक्टर्स तो उसमें तुम लिख देना डॉक्यूमेंट वैक्टर कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड ऑफ द वैकैबलरी इन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ठीक है उसके बाद तुम्हें डिफाइन करना है कि उसके अंदर आता क्या है तो सबसे पहले सबसे ऊपर वैकैब्लरी लिखी जाती है यानी डिक्शनरी के वर्ड्स लिखे जाते हैं सो इन द डॉक्यूमेंट वैक्टर वैकबलरी इज लिक इन द टॉप रो उसके बाद नाउ फॉर ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट इफ इट मैचेस विद द वैकैबलरी पुट वन एंड इफ द सेम वर्ड्स अपियस अगेन देन इंक्रीमेंट द प्रीवियस वैल्यू बाय वर्ड इज नॉट अकरो सिंपल है ना एक और चार मार्क्स का क्वेश्चन आया वो पता है कितना लंबा है सिर्फ चार लाइन का ठीक है हाँ ये तुमको एक द, आ, चार डॉक्यूमेंट गिवेन थे डॉक्यूमेंट व टेबल फॉर अर्पस उसमें क्या था वन इज वी आर गोइंग टू मुंबई डॉक्यूमेंट टू मुंबई इज अ फेमस प्लेस डॉक्यूमेंट थ्री वी आर गोइंग टूमस प्लेस डॉक्यूमेंट फोर आई एम फेमस इन मुंबई आई एम फेमस इन मुंबई ठीक है तो अब क्या करना है इसमें बोला है कि क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल फॉर द गिवन कॉर्पस अब इसमें तुम्हें सिर्फ फर्स्ट का नहीं बनाना है इसमें तुम्हें पूरे का बनाना होगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है ना चार डॉक्यूमेंट है और इसके डॉक्यूमेंट वैक्टर बनाना है तो इसका मतलब लॉजिकली तुम्हें समझ में आ रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट से उनके वैक्टर लिखना है मतलब कितनी बार आए हैं बस वो लिखना है तो ये स्टेप थ्री भी हो गया और स्टेप फोर भी हो गया अब हम लोग ये कंप्लीट कर चुके अपना डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले टी एफ आई डी एफ ठीक है टी एफ आई डी एफ क्या है वो भी एक और सिंपल सा टॉपिक है देख लेते हैं क्या है उससे पहले हम लोग ये ग्राफ देख लेते हैं ये ग्राफ क्या है फ्रीक्वेंसी वर्सेस वैल्यू का ग्राफ है अकरेंस मतलब फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम इसे ठीक है कितनी बार अकर की है वही तो फ्रीक्वेंसी होती है और वैल्यू मतलब ये उसकी वैल्यू क्या है ठीक है सो फ्रीक्वेंसी वर्सेज वैल्यू का ग्राफ है तो हमें पहले से ही पता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वैल्यू होगी यहां पर देख लो यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो गई सबसे कम होगी ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेस वैल्यू सिंपल है ना और जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है लेस वैल्यू होती है उसे उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं और बाकी तो रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है ठीक है एग्जाम्पल एक देख लो आ, हमारे रियल वर्ड में हम देख लेते हैं कि अगर हम देखें वॉटर ठीक है वॉटर क्या होता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वैल्यू क्या होती है कम होती है डायमंड क्या है ठीक है डायमंड की फ्रीक्वेंसी कम है मतलब बहुत कम टाइम मिल पाता है हमें डायमंड बहुत मुश्किल से मिलता है रेयर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है अब लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल वे वी फाइंड टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज टीएफ आईडीएफ टीएफ आईडीएफ फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड करनी होंगी एक तो टीएफ दूसरा आईडीएफ ऑबवियस है ठीक है और फाइनल में हमें क्या करना पड़ेगा ये टेबल को याद रखना क्योंकि इसी टेबल को हम लास्ट में ये जो वर्ड्स हैं इनको IDF से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है है वो बताऊंगा मैं कैसे फाइंड करता आईडीएफ इनको आईडीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आ जाएगा टी एफ ऐसे करके पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमारे पास आ जाएगा टीएफ आई एफ और उसी को हमें फाइंड करना है लास्ट वाला जो आ, टेबल होगी अब ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना अरे हाँ ये तो बैग ऑफ वर्ड्स एलगोरिदम से है बैग ऑफ वर्ड्स एलगोरिदम में हमने पढ़ा था ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल जो रिपीट करके हमने ऑल डॉक्यूमेंट्स की लास्ट स्टेप में बनाई थी एग्जैक्टली डिटो सेम है ठीक है कुछ भी डिफरेंस नहीं है वो सीधे उठा के इधर डाल दो ठीक है ये क्या है डॉक्यूमेंट वन की रो हो गई ठीक है ये डॉक्यूमेंट टू की रो हो गई डॉक्यूमेंट थ्री की रो हो गई इसका मतलब अमन डॉक्यूमेंट वन में कितनी बार आया एक बार आया डॉक्यूमेंट टू में एक बार आया डॉक्यूमेंट थ्री में जीरो टाइम्स आया एंड डॉक्यूमेंट वन में एक बार आया डॉक्यूमेंट टू में जीरो बार आया एंड डॉक्यूमेंट थ्री में जीरो बार आया ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है ठीक है बहुत सिंपल है ना सो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज फाइंडिंग आईडीएफ ठीक है आईडीएफ क्या होता है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अब किसी चीज का इनवर्स फाइंड करना है इनवर्स मतलब क्या होता है उल्टा इनवर्स मतलब उल्टा सो so, किसी चीज का उल्टा फाइंड करना है तो उसका सीधा भी तो पता होना चाहिए तो पहले डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए तब तो हम डॉक्यूमेंट का इनवर्स फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं पहले देखते हैं वो होता क्या है सो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच वर्ड अकर्स इनरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अकर्ड इन दोस डॉक्यूमेंट्स अब अगर तुम एक ही बार में से समझ गए तो भाई वाह 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 क्या बात है ठीक है एक बार में अगर तुम ये समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा क्योंकि इसे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कभी गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम एकदम धराशाही हो जाओगे देखो क्या होता है ना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच वर्ड अकर्ड इस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अकर्ड ठीक है इसका मतलब क्या है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितने डॉक्यूमेंट्स में वो वर्ड आया है ये नहीं कि कितनी बार आया है ठीक है डॉक्यूमेंट में आया है तो वन डाल दो डॉक्यूमेंट में नहीं आया तो जीरो डाल दो ठीक है ऐसा होगा फिर काउंट कर लो कि कितने वन है अब मैं इसे अच्छे से समझाता हूं अभी तुम तुमने देखा ना पिछले वाले में डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी की क्या लिखी हुई थी फर्स्ट वाली अमन की लिखी हुई थी अः टू एंड एंड की लिखी हुई एंड की लिखी हुई थी वन देन अनिल की लिखी हुई थी टू एंड आर की लिखी हुई थी वन अब बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि भैया इसको ऐड करो इसको ऐड करो इसको ऐड करो पूरे को ऐड करो एंड डाल दो नीचे वही बन जाएगा आपका डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अरे मुन्ना नहीं ऐसे नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है क्या है यहां पर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स में वो वर्ड आया है हमें मतलब नहीं है कितनी बार आया है? अब मैं इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूं इधर टू लिख रहा हूं इधर थ्री लिख रहा हूं अब इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी फाइव नहीं होगी अभी भी इसकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी टू ही होगी क्यों क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था कितने डॉक्यूमेंट्स में अनिल वर्ड आया है चाहे कितनी भी बार आया हो बट आना जरूरी है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो लिखे हुए हैं इसका मतलब यह है कि अमन दो डॉक्यूमेंट्स में आया है एंड दो डॉक्यूमेंट्स में आया है। ये नहीं कि अमन दो बार आया है पूरा मिला के एंड एंड वन बार आया है पूरा मिला के ये नहीं है इसका मतलब इसका मतलब है कि अमन दो बार आया है मतलब दो डॉक्यूमेंट्स में आया सॉरी एंड एंड एक डॉक्यूमेंट में आया अनिल दो डॉक्यूमेंट में वेंट दो डॉक्यूमेंट में थेरेपिस्ट एक ही डॉक्यूमेंट में आया टोटल मिला के चैटबॉट एक ही डॉक्यूमेंट में आया ये अच्छे से समझ गए होप ये इंपॉर्टेंट था इसलिए अच्छे से समझाया मैंने अब हमने डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी निकाल दी है तो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी देख लेते क्या होता है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी नीचे और ऊपर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ठीक है ऊपर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ठीक है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ठीक है सो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट्स है तो यहां पर ऊपर तीन है बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड ऐसे हो गया इनवर्स फ्रीक्वेंसी इनवर्स मतलब वन बाय डॉक्यूमेंट एंड ये ऊपर लिख देना है हमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ठीक है अब फाइनली हम टी एफ आई डी एफ की टेबल बनाने जा रहे हैं और टी एफ आई डी एफ का फॉर्मूला क्या होता है टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड ठीक है इन टू लॉग ऑफ आई डी एफ अब ये कुछ लोगों को लॉग अगर नहीं समझ में आता तो भाई रहने दो क्योंकि हमें साफ साफ लिख दिया है सीबीएसई ने कि वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यूज बाय आर्सेल्स ठीक है ये बस हमें समझना है कि ये लॉग करके कुछ लिखना है बट इसकी वैल्यू क्या होती है हमें कोई घंटा फर्क पड़ता है तो लॉग बेस्ट टू द पावर ऑफ टेन हम लेते हैं यहाँ पर एक्चुअली लॉग बेस्ट टू पावर टू भी होता है लॉग वेस्ट पावर ई वी होता है उसका एल बोलता है बट हमें क्या लेना देना मैथ से यहाँ पर बेसिकली अगर सिर्फ लॉग बोला है तो उनका मतलब ये ठीक है बस यही बताना था उन्हें हमें तो बस डायरेक्टली लिख देना है कि लॉग ऑफ आई हमें उसकी वैल्यू लिखनी ही नहीं है आई जस्ट चेक मेरा माइक नहीं चल रहा था ओके सो नाउ हम लोग अब जो एक्चुअल में टी एफ आई डी एफ की वैल्यू होती है वो निकालने जा रहे हैं सो so मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जो टर्म फ्रीक्वेंसी वाली टेबल थी ठीक है उसी टेबल को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे एंड हमारी फाइनल टी एफ आई की टेबल बन जाएगी तो so वो टेबल देखो यहाँ पर दिख रही है ना आपको ये जो वन ये जो है वन जीरो अगर सिर्फ इतना लिखे तो ये टी एफ वाली टेबल बन जाएगी टर्म फ्रीक्वेंसी की जो स्टार्टिंग में निकाली थी ओके okay, इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया लॉग ऑफ थ्री बाई टू लॉग ऑफ थ्री लॉग ऑफ थ्री बाई टू लॉग ऑफ थ्री थ्री ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई किया हुआ है ओके सो ये क्या है ये एक्चुअल में जो हमारा जो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आया था ना आई जो हमने पिछले वाले में निकाला था वही है ये ठीक है लॉग ऑफ दैट लॉग ऑफ आई ठीक है सो टर्म फ्रिक्वेंसी इन लॉग ऑफ आई ये होता है हमारा टी एफ ओके ऐसा करके पूरा आप लिख दोगे अगर तो हमारी ये टेबल बन जाएगी टी एफ वाली टेबल ओके okay, इसकी वैल्यू हमें निकालने नहीं है बट यहाँ पर इन्होंने ये एक्स्ट्रा में हमको दिखाया है कि इसकी वैल्यू ये होगी ये वाला पार्ट हमको निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है जीरो लिख सकते हो आप क्योंकि हमें पता है जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो हेयर सो जीरो विल बी रिटर्न ठीक है ये आप लिख सकते हो बाकी सारा ये लॉक की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है सो so, यहाँ पर कंक्लूड किया हमने आई के बारे में कि आई की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वर्ड जिसका मतलब आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ वर्ड डिक्रीज होगी ठीक है ये उसी कंक्लूजन को समझाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट अगर आपको इंटरेस्ट uh, है तो आप ये देख सकते हो ठीक है वरना वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है नाउ लेट्स समराइज द कंसेप्ट ओके जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पहली चीज़ हमने जो यहाँ पर पढ़ी है वो है कि फ्रीक्वेंसी यानी टर्म फ्रिक्वेंसी हाई है तो उनकी वैल्यू लीस्ट होगी ठीक है ये तो हमें पता है स्टॉप वर्ड्स का कंसेप्ट है नेक्स्ट इज वट इज मेंट बाय हाई वैल्यू ऑफ में मतलब अगर टी एफ आई डी एफ की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब क्या हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं इससे इसका मतलब टू मेक टीएफ आईडीएफ वैल्यू हाई वी नीड हाई टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब टीएफ शुड बी हाई बट वी नीड लेस डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मतलब डीएफ शुड बी लेस ऐसा क्यों देखते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि टी एफ होता क्या है सॉरी टी एफ आई डी एफ होता है टी एफ इंटू आई डी एफ करेक्ट इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टी एफ इंटू सॉरी ये लॉग ऑफ आई डी एफ होता है ना अपना मैंने स्टार्टिंग में भी शायद बोला था कहीं पर आई डी एफ टी एफ इन टू आई उसको भी करेक्ट कर लेना लॉग ऑफ आई होता है ठीक है लॉग ऑफ आई डी एफ सो टी एफ इन टू लॉग ऑफ आई अब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉग की वैल्यू भी बढ़ेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आई का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो कॉन्स्टेंट है ठीक है कॉन्स्टेंट है तो इसे हटा दो चेंजिंग क्या होगा टर्म फ्रीक्वेंसी एंड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी तो टर्म फ्रीक्वेंसी बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है हमारा टीएफ आई डी एफ ठीक है ये मैथमेटिकली ज्यादा समझा रहा हूँ बट तो ये समझना थोड़ा है, समझना है. So, तो तो ठीक है समझना जरूरी है सो टी एफ की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हाई टर्म फ्रिक्वेंसी होगी तो टी एफ आई डी एफ की वैल्यू भी हाई होगी ठीक है यहां से हमें दिख रहा है बट अगर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो टी एफ की वैल्यू लो हो जाएगी ठीक है डिनोमिनेटर में सो जस्ट यही कंक्लूजन था ओके okay, ये वाला पॉइंट भी हो गया नाउ नाउ दीज वैल्यूज हेल्प द कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच वर्ड बीडर वाइल्ड प्रोसेस इन एक्चुअल इसका मतलब क्या है कि हायर द वैल्यू मोर इंपॉर्टेंट द वर्ड मतलब टी एफ आई डी एफ की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ वर्ड ज्यादा होगी ये था कंक्लूजन नाउ एप्लीकेशन ऑफ टी एफ आई डी एफ ठीक है इस पर शायद uh, एक क्वेश्चन आ सकता है ठीक है बोल सकते हैं ना वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ टी एफ आई डी एफ तो देख लो एक हो गया डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन दूसरा टॉपिक मॉडलिंग एंड तीसरा हो गया इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम चौथा हो गया स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग ये तो बहुत ही मतलब ये तो पता ही है आपको ज़्यादा कम टी एफ आई डी एफ की वैल्यू होगी तो पता चल जाएगा कि वो स्टॉप वर्ड है तो उस फिल्टर हो जाएगा तो टी एफ आई डी एफ इन सब में काम आ सकता है ठीक है सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर till the एंड एंड एक बात बताता हूँ ये आज तक का जो भी मैंने ए आई फोकट्स में वीडियो बनाया सबसे हार्डेस्ट मेरा जो टाइम गया ना इस वीडियो को बनाने में गया है बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं फाइनल्स ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट रात में मुझे बैठ के ये करना पड़ता था एंड दिन में मैं पढ़ता था सो so पूरी रात मैंने एडिटिंग की है फॉर वन मंथ बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया था कि मुझे ये वीडियो डालना है तो डालना है एनएलपी का एंड सच में यार इसमें बहुत मेहनत लगा है सो प्लीज़ 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 आई जेन्यनली विश कि आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि एटलीस्ट जितना मैंने इसमें मेहनत किया है वो सब लोग देख पाए ठीक है मैंने एक्चुअल में इसमें बहुत मेहनत किया है इस वीडियो पे पर्टिकुलरली और मैंने नोट्स वगैरह भी इसमें डाल दिए ठीक है एक तो प्रोजेक्ट साइकिल के नोट्स हैं वो तो आपको गिवेन है पहले से ही बट उसका पी आप डॉक्यू ये इसके कमेंट सेक्शन में से ले सकते हो एंड और भी है एन के नोट्स उसका भी पी आप इसमें से ले सकते हो ये पहली बार रिलीज कर रहा हूँ मैं या आप इससे ले सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में से एंड उसके बाद वो है एनएलपी का क्वेश्चन बैंक का एक पेज है अपनी ए किड्स का वेबसाइट में मैंने कमेंट में सारे लिंक डाल दिए यार कोई टेंशन की बात ही नहीं है एक और बात आपको अगर नहीं पता हो तो ए आई फो का क्यू एन ए फॉर्म है यार वो क्या है ना कि लाइक मेरे को पहले प्रॉब्लम होती थी, थी कि दोस्तों को अगर क्वेश्चन वगैरह बताना तो उसके लिए हमने ये कोडिंग सीख के भाई ये बनाया है ठीक है ए आई ओ डॉट इन ठीक है अपनी वेबसाइट पर जाओगे उसके बाद क्यू ए में जाओगे ना स्लैश क्यू ए तो वहाँ पर तुम लोग लॉग इन रजिस्टर कर सकते हो तो गूगल से लॉग इन करना एंड उसके बाद तुम क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हो एंड उसके बाद मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसका पक्का आंसर तो पक्का दूंगा ठीक है थोड़ा टाइम लगे बट पक्का दूंगा और हाँ बहुत लोग बोल रहे थे कि उनको मेरा इंस्टा का हैंडल चाहिए क्योंकि उनको बात करनी है करके पर्सनली सो so, मैंने बहुत लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दिया बट अगर किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ वापस दैट इज ललित के ऑफिशियल ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस Thank you so much. Thank you for watching.